सावधान समाधान प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज द्वारा सावधान समाधान। आप भी अपनी शंका का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अपना प्रश्न अपने नाम के साथ और अपने शहर के नाम के साथ हमें व्हाट्सएप नंबर 8003040409 पर भेज सकते हैं। आचार्य जी अक्सर हमारे अजैन मित्र जो है उनकी जिज्ञासा रहती है कि आपके मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं। जिज्ञासा होना भी चाहिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वस्त्र देखे हो जब वो किसी व्यक्ति को नग्न देखेगा तो उसे आश्चर्य लगेगा कि व्यक्ति इतने समूह के बीच में नग्न कैसे। हमारी मुद्रा को यथाजात होता है, यथाजात का तोता प्राप्त होता। जन्म से हम जैसे आए हम वैसे ही रहते हैं। जन्म के बाद जब हम बाहर से जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो फिर हमारे अंदर विकृतियां प्रारंभ हो जाती है, वो परिणय बनकर परिणामों में अशुभता आने लगती है, विकृतियां आने लगती, विकार उत्पन्न होते हैं। तो हम जन्म से जो मुद्रा लेके आए हैं और उसी मुद्रा से ही निर्वाण संभव है क्योंकि माँ अपनी गोदी में एक नवजात शिशु को लेकर के जवान को, जवान में विकार है शिशु में नहीं। ये दिगंबर मुद्रा शिशुवत है, बालकवत है, इसमें विकार नहीं। हमने वह रूप धारण कर लिया प्रकृति का कि प्रकृति इसका स्पर्श भी करे तो हम आंदोलित नहीं हो सकता। वर्षा हो, अग्नि हो, गर्मी, कैसा भी मौसम हमारे सामने खड़ा हो लेकिन हम यथावत ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम बचने के लिए कपड़े पहने या कुछ कर लिया करने के लिए, क्योंकि प्रकृति ने जो प्रदत्त किया हम प्रकृति के साथ जीना चाहते हैं। और जिस दिन प्रकृति आत्मसात हो जाएगी, प्रकृति प्रकृति की रक्षा में संलग्न हो जाएगी, उस दिन हमारी निर्वाण की भूमिका। हमने प्रकृति का सम्मान किया है, आपको नग्नता नजर आ रही है, आपने प्रकृति का अपमान किया है और निरंतर आप अपमान कर रहे हैं। इसलिए साधु ने अपने आप को प्रकृति की आशीष निर्वासना है। ये नग्नता, ये भीतरागता किसी आकाश से नहीं उतरी बल्कि ये भीतरागता उनकी तप त्याग संयम से पोषित होकर के ये हमारे सम्यक प्रसाद इंद्रिय विजय का एक परिणाम है। प्रकृति ने तो नग्नता दी थी लेकिन माता पिता ने तो कपड़े नीचे समाज से, लेकिन जब प्रज्ञा जगी तो हम फिर से प्रकृति।